जय हिंद। नमस्कार सभी भाई बहन को। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस के जो 10 संभाग हैं वो संभाग कौन कौन से हैं, और जो जिले हैं वो संभाग वाइज कौन से संभाग के अंदर में कौन सा जिला आता है। काफ़ी जो मेरे पास में कॉल और मैसेज आ रहे थे, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसके नीचे में मैसेज आ रहे थे कि हमें कौन से जिले के अंदर में हमारी रनिंग करवाई जाएगी। तो आप जिस भी जिले से हैं, तो मैं आपको आप इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आज हमारा हर जिले से, हर संभाग से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई किया है, आपका वहीं पर जो है रनिंग ग्राउंड जो है दिया जाएगा। तो इसके बाद में हम महत्वपूर्ण बात ये कर लेते हैं कि पिछली बार जो है चुनाव के चलते, विधानसभा का चुनाव चल रहा था, जो डेट आई थी उसको स्थगित कर दिया गया था। और अभी जो है संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा कि ये जो आपका राजस्थान पुलिस का फिजिकल है, ये 18 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक डेट दे दिया गया है, लेकिन ये स्थगित होने की संभावना है। फरवरी या मार्च के अंदर में जो है आपकी रनिंग कराने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव अभी हुआ नहीं है। इसका रिजल्ट जो है 3 तारीख को आने वाला है। अगर ये आज रिजल्ट आएगा, तो आज रिजल्ट आने के बाद में नई जो सरकार बनेगी, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर नई सरकार बनेगी तो इसमें क्या है, फिजिकल पे कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार आएगी, वो जो है वैकेंसी को देखेगी, वो वैकेंसी को बढ़ा भी सकती है, और जो डेट दी गई है इस डेट पर फिजिकल करवा भी सकती है। हाँ, ये कन्फर्म है कि भर्ती रद्द नहीं होगी, आप तैयारी करते रहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और जो भी भाई और बहन नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, राजस्थान पुलिस कुल संभाग जो है 10 हैं, 10 जो संभाग बनाए गए हैं, 10 संभागों के अंदर में जो रनिंग का ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आपको जो है रनिंग करनी है। तो जैसे जयपुर की हम बात करते हैं, जो बच्चे जयपुर रेंज से हैं, जयपुर संभाग से हैं, उसके अंदर में जयपुर के बच्चे दौड़ेंगे, और जो जयपुर ग्रामीण के बच्चे हैं वो भी रनिंग करेंगे, और जो अलवर से आते हैं वो भी करेंगे, दौसा, दूदू, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बैरोड, इन जिलों से जो भी बच्चे आते हैं उनका संभाग जो है जयपुर लगता है, और उसका रनिंग जो है वो जयपुर में होने वाला है, घबराइएगा नहीं। तो इसके बाद में हम 2 नंबर की बात करते हैं, सीकर संभाग में कौन कौन आता है। तो सीकर संभाग में सीकर के बच्चे आ जाएंगे, और उसके बाद में नीम का थाना के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे आ जाएंगे, झुंझुनू से जो भी बिलोंग करते हैं, झुंझुनू जिले से जो भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे आ जाएंगे, और जो चूरू जिले के जो भी बच्चे हैं वो सारे चूरू जिले के बच्चे आ जाएंगे। आप जिस जिले से भी हैं, आप वो जो है वीडियो को सही से देख के आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ताकि आप जो है जब भी देखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब बीकानेर की बात करते हैं कि बीकानेर जिले के अंदर में कौन कौन से जिले आएंगे। तो बीकानेर के अंदर में जो बीकानेर खुद दौड़ेगा, बीकानेर जिला है, उसकी रनिंग होगी, और अनूपगढ़ जो से बच्चे आते हैं वो रनिंग करेंगे, और गंगानगर के जो बच्चे हैं वो रनिंग करेंगे, हनुमानगढ़ के जो बच्चे हैं वो भी रनिंग करेंगे। और इसके बाद में बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर के अंदर में अजमेर के बच्चे दौड़ेंगे, जो भी अजमेर ग्रामीण के जो भी बच्चे हैं वो उनकी रनिंग होगी, और उसके बाद में ब्यावर से जो भी लड़के हैं वो करेंगे, केकड़ी, टोंक, नागौर, शाहपुरा, डीडवाना और कुचामन, इन जिलों के बच्चे जो हैं उनका संभाग जो है अजमेर लगता है, उनकी रनिंग जो है अजमेर में होने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर में साई माधेपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और डिग, इन जिलों के जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं या आप लड़की हैं या लड़का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो संभाग दिया गया है वो इसी में आपका होने वाला है। तो इसके बाद में बात करते हैं हम जोधपुर की, कि जोधपुर में जो जोधपुर के बच्चे दौड़ेंगे, जोधपुर जिले के दौड़ेंगे, और जो जोधपुर ग्रामीण जो जिले नए बनाए गए थे उसके भी बच्चे जो है वो जोधपुर में ही दौड़ेंगे। इसके बाद में बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और पलोदी, इन जिलों से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं वो सारे जोधपुर
में ही रनिंग करेंगे। इसके बाद में जैसे बांसवाड़ा हो गया, तो बांसवाड़ा के अंदर में कितने आते हैं, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा खुद, ये तीन जिले जो हैं इस संभाग में ही रनिंग करेंगे, बांसवाड़ा में करेंगे। तो जैसे हम पाली की बात करते हैं, तो पाली के अंदर में जैसे पाली खुद दौड़ेगा, पाली जिले के जो भी बच्चे हैं उनकी पाली में होगी, और सांचौर के जो भी बच्चे हैं, जालौर के हैं या सिरोही के जो भी बच्चे हैं, वो सारे पाली में ही रनिंग करेंगे। तो इसके बाद में देखिए उदयपुर की हम बात करते हैं, तो राजसमंद, भीलवाड़ा और सलूबर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनका जो संभाग है उदयपुर, तो आपकी रनिंग जो है उदयपुर में होने वाली है। और जैसे कोटा की हम बात करते हैं, तो जो कोटा से बिलोंग करते हैं वो कोटा के बच्चे दौड़ेंगे, झालावाड़ के जो बच्चे हैं, बारा के हैं, बूंदी के हैं, तो ये हैं आपके 10 संभाग। इनको आपको अच्छी तरह से देखना है, और आपका जल्दी ही एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा, 5 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। अभी 18 तारीख से लेकर 23 दिसंबर तक जो है 2023 में ही आपका फिजिकल होने वाला है राजस्थान पुलिस का। हाँ, संभावना बनती है क्योंकि नई सरकार आएगी तो कुछ तो वो चेंज करेगी, कुछ तो अलग होगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमने जो रनिंग की तैयारी करनी है वो इसी तरह से करनी है कि हमारी रनिंग जो है वो 18 दिसंबर को ही होने वाली है। अगर हम 18 तारीख के लिए तैयार नहीं हैं तो हम फेल हो जाएंगे, और जो पिछली बार बच्चे रनिंग में रह गए थे या पेपर में रह गए थे या मेडिकल में हो गए थे या किसी प्रकार और उनसे जो है वो नहीं पास कर पाए, तो उनके लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों, इस मौके को गवा मत देना। यही एक है भर्ती जिसको हम अभी नौकरी लग सकते हैं, और हमारा जो सपना था वर्दी पहनने का वो हम वर्दी पहन सकते हैं, अन्यथा इस भर्ती से आप चूक गए तो 2-3 साल अब देखते हैं कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी कब निकल के आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि नई सरकारें आएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो बहुत भर्तियां आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको सीरियस हो जाना है दोस्तों, रात और दिन जिस मेहनत और लगन से आपने जो सपना देखा था राजस्थान पुलिस का बनने का, या फिर आपके परिवार में कोई भी भाई और बहन जो फोर्स में नौकरी करता है या राजस्थान पुलिस में, जब भी उनके ऊपर वर्दी पहन के देखते हैं या वर्दी पहन के चलते हैं तो इनका सीना तना हुआ और उनको देख के एक अंदर ही अंदर एक गर्व महसूस होता है कि हमारे जिस्म पर भी वर्दी होगी और एक दिन हम भी इसी तरीके से जाएंगे। तो आपको निराश नहीं होना है, और रेगुलर आपको कंटिन्यू फिजिकल की तैयारी करते रहना है। फिजिकल के साथ साथ में सबसे ज़्यादा जरूरी होगा आपका रिटर्न एग्जाम। अगर आप रिटर्न एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपका सपना जो है टूट सकता है। तो इस सपने को साकार करने के लिए, अपने जो माता पिता का नाम जो है रोशन करने के लिए, आपको दिन और रात जागना होगा, आपको दिन और रात जागना होगा। तो जो भी भाई और बहन वीडियो के अंदर में नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जो विजन ऑफ सक्सेस श्री डूंगरगढ़ में जो क्लासेस चल रही है वहाँ पर दोस्तों, अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं या आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चा है कोचिंग में 10,000 रुपये 15,000 रुपये नहीं दे सकता, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी भी डिफेंस कोचिंग में जाके आपको 10,000 या 15,000 रुपये नहीं देना है। आज जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं वो सिलेबस फ्री दे रही है, वहाँ से ले सकते हैं। और अगर हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ में, और 0 रुपये फीस के साथ में मैं आपको तैयारी करवाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।